मान कसाई के लिए जीव क्या नहीं करता। ये खड़े खड़े पूजा करने लगे और 10 साल से कर रहे हैं, मान कसाई ने घेर लिया, अब पैरों में दर्द है, कोई कह रहा बैठ के कर लो, अब बैठ के नहीं करेंगे, खेल में ज्यादा भाव लगते हैं खड़े खड़े में, काहे से काहे के ज्यादा भाव लगते हैं मान के, मान का पोषण होता है ना बड़ा ज्यादा, जितना बड़ा पाखंड हो पैदा उतना बड़ा भाव लगता है, विधान स्वधर्मिंद बना दो तो और मन लगता है, और भाव जगते हैं फिर। कई लोग कहते हैं भाई साहब पात्र बनो, भले पात्र इंद्र सभा के, ठीक है नहीं, तो भाव ज्यादा लगते, भाव भाव कुछ नहीं लगते, मूर्ख कहीं की वो कसाई का पोषण होता है, वहां जनता देखती है और जी हार मुकुट पहन के समझ में नाचे जो इंद्र देवरे और नचाते। अब आजकल तो जो इंद्र सभा ऐसी चल गई है कि अब आपको पता है जैन साहब, अब कोई भी कार्यक्रम हो अब सारे पंडित विद्वान यहाँ तक कि ब्रह्मचारी इंद्र सभा कराने लगे, ब्रह्मचारी बैठे रहते हैं इंद्र सभा कराते हैं, अब उससे पूछो कि तेरा ब्रह्मचारी खंडित नहीं हो रहा, महिलाओं को नाचते हुए देख रहा है, और वैसे महिलाओं को देखना नहीं है, समझो प्रोजेक्ट में एक्टिंग करनी है कि हम नजर दूर रखते हैं, और वहीं बैठ के इंद्र सभा करा रहे हैं रात को 11 बजे, तुम्हारी सामायिक का क्या हुआ पंडित जी, ब्रह्मचारी हो ना, रात की सामायिक कब हो गई, कहाँ हो रही है, फिर काय के ब्रह्मचारी हो, क्यों लिखते हो नाम के आगे ब्रह्मचारी। मुझे तो इस बात पे बहुत हंसी आती है, मैं कल ही अपने एक मित्र से कह रहा था कि मुझे आम पब्लिक से तो कुछ नहीं कहना, जैसे आप लोग हो ना ठीक है, अभी आप लोगों का इज्जत नहीं है, मजेदार बात है दिनेश जी, 5 साल शास्त्री करके आते हैं, क्या करके आते हैं, आगम पढ़ के आते हैं, ग्रंथों को पढ़ के आते हैं, तो भी नहीं सीख पाते कि कौन असली ब्रह्मचारी है कौन नकली, उनके पैर छूते पड़ते हैं 2 कौड़ी के लोगों के, वो शास्त्री है, पागल नहीं है धेले भर के, और आगम पढ़ के आए, प्रतिमा स्वरूप पढ़ के आए, 11 प्रतिमाएं जिन आगम में बताई, 7 ही प्रतिमाएं ब्रह्मचारी व्रत बताया, उसका अर्थ क्या, उसके पहले की प्रतिमाएं क्या, सब पढ़ के आते हैं, ने जो नहीं पढ़े लिखे उनका तो चलो समझ में आता है, तुम्हें तो पढ़ाया इसलिए था ना 5 साल कि तुम पूरा आगम पढ़ के सारा व्यवस्था से पढ़ना कि किसको सर झुकाना, किसके नमस्कार करना, कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो सीख के वो नहीं समझ में आए, और महाराज को जरूर सीख ली, महाराजों से दूर रहो, और कुछ नहीं समझ में आई है, अपने यहाँ के सब ब्रह्मचारी सच्चे हैं, बाकी दुनिया के सब झूठे हैं, ये कौन सी पढ़ाई सीख के आए, क्या पढ़ा तुमने, ख्याल में आया ना, तुझे मान कसाई में बहुत मजा आता है ख्याल में आया ना, तो ये जैसे अभी जैन साहब ने कहा ना बहुत मन लगता है, वो मन समझ में आया ना आपको, देखना सिद्ध चक्र विधान में आपको अगर पीछे बैठा दें आपका मन नहीं लगता, सच्ची है ना, और आपको इंद्र बना के बैठा दे तो, आगे बैठा दे तो, और स्टेज पे ही बैठा दे तो फिर ज्यादा मन लगता, तो आपको लगता है कि देखो भाव बन गए, भाव नहीं बनते कुछ भी, जिनेन्द्र भगवान के भाव है क्या कि माला पहनोगे मुकुट पहनोगे तो ज्यादा बनेंगे और माला मुकुट के बिना कम बनेंगे, इसका मतलब है भाव ही 2 कौड़ी के नकली है वे भाव, इसको भक्ति कहते हो, ये तो मान कसाई का पोषण है, और ये सब समझते हैं जो धर्म के ठेकेदार है वे सब जानते हैं इनको क्या चाहिए, और भाई तुम्हें दे देते हैं, सो भाई पंडित जी अच्छे हो जाते हैं, ख्याल में आए कि नहीं आए, पंच कल्याणकों में जैन साहब 100 धर्मिंद की लड़ाई होती है, हाँ वो कहते बोली कितने पे जाए हम पे टूटनी चाहिए, समझ में आए कि नहीं आए, हम बनेंगे, अब लोग कहते देखो साहब इनके कितने भाव है, काय के भाव है, इसमें धर्म का क्या भाव है भैया बताना, ये तो मान कसाय है, क्या है ये प्योर क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बोली लेके कोई भी चीज लेते हो वो क्या के लिए क्या चीज है, वो साफ सुथरी चीज है ना, बड़े सो पावे घटे सो घटावे, ले जाएंगे पैसे वाले बोलियां ले जाएंगे साफ कुल्लम गुल्ला है ना जी, मान कसाई का व्यापार बोलो 1001 1,01,000 10,01,000 15,01,000 एक जा रही है, ये अवसर द्वारा नहीं मिलेगा, कौन सा अवसर, मान कसाई का,
कौन सा अवसर नहीं मिलेगा तुम्हारा। रमेश जी संभल के रहो, चक्कर में मत फंस जाइयो। क्या कहते, देखो मान कैसा है, पकड़ गए मान। तो जिसे आप ब्रह्म से धर्म समझते हो वो केवल और केवल मान कसाय का पोषण है। ये टोटम जी साहब कह रहे हैं।